बल्लभगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाली जनता कॉलोनी के निवासी सीवर के ओवरफ्लो होने के कारण नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। पिछले 18 दिनों से यह समस्या लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम को कई बार शिकायत कर दी, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां आने जाने में लोगों को समस्या होती है, वहीं गंदे पानी के जल भराव के कारण मच्छर भी इसमें मंडरा रहे हैं और लगभग हर घर से कोई ना कोई सदस्य बीमारी का शिकार हो रहा है। लोगों का कहना है कि जहां लोग गर्मी से परेशान हैं और बारिश आने की दुआएं भगवान से मांग रहे हैं, लेकिन जनता कॉलोनी वासी नहीं चाहते कि बारिश यहाँ आए, क्योंकि बारिश में हालात और भी बद से बदतर हो जाते हैं। वहीं लोगों ने कहा कि उन्होंने आज तक यह भी नहीं मालूम यहाँ की निवर्तमान पार्षद कौन है, उन्हें वह जानते तक नहीं और आज तक उन्होंने जनता कॉलोनी में कदम तक नहीं रखा। आपको बता दें, इस क्षेत्र के विधायक पंडित मूलचंद शर्मा हैं, जो कि हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। ऐसे में उनके ही विधानसभा क्षेत्र में ये हालात साफ बयां कर रहे हैं कि लोगों को आज भी मूलभूत समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक जी, ये कौन सा इलाका है और ये 800 वाली, ये 800 नंबर की लाइन है, पूरी पूरी जाम पड़ी है। आज 18 दिन हो गए। अच्छा। रोज जाते हैं वो बेचारे, आ जाते हैं, कभी एक स्वीपर होता है कहता भाई मैं अकेला क्या करूं, तो कभी कहता मैं दो आते हैं तो दो बेचारे कर जाते हैं, फिर दूसरे फिर जाम हो जाता है। अच्छा। रोज पहले चंद्र भगत जी थे, उनके पास जाते थे, वो दो मिनट बेचारे करवा देते थे और वो बेचारे बीमार पड़े और कोई भी सुनने वाला नहीं है गली को। मौसम बहुत खतरनाक हुआ पड़ा है, लोग बारिश की भी दुआ कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या? हम बारिश ना आए, हम बारिश नहीं चाहते हैं, हम बारिश नहीं चाह रहे। जनता कॉलोनी में तो फूल कभी ना आए बारिश, और अगर गलती से बारिश आ जाती है तो इतना इतना पानी इकट्ठा हो जाता है, इतना इतना घुटने से ऊपर सीवर का पानी, बस सीवर का ओवरफ्लो होता है, गटर ओवरफ्लो हो रहे हैं। कहाँ कहाँ इस समस्या को पिछले 18 दिन में लेकर गए पूरी कॉलोनी? तो पहले भगत जी के पास, भगत जी बेचारे बीमार पड़े, फिर हम इन बेचारे के पास ड्यूटी देने जाते, इनके पास लिखवाने जाते हैं नगर निगम में, इन चौकम पे बैठे बेचारे ड्यूटी पे, वो कहते हमारे पास भाई बंदे ही नहीं है, तुम कहाँ से आए? फिर जी आई को फोन करते, वो कहते मेरे पास मशीन नहीं है। उर्मिला बहल, उर्मिला जी, हाँ जी, क्या कहना है? यही कि 18 दिन से यह है, हम लोग रोज जाते हैं हम कंप्लेन लिखवाने के लिए, वो बोलते हैं हमारे पास मशीन नहीं है, मशीन आएगी तो ये खुलेगा। शनिवार को आए थे ये खोलने के लिए, खोली इन्होंने शाम को, लेकिन फिर वैसे घंटे बाद वापस भर गया। किसी नेता के या बिना हमारी नहीं है, वो कहते हैं हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमने जेई को कंप्लेन की है, जेई को बोला है गाड़ी भेजेंगे, वो कब भेजेंगे गाड़ी? आती शाम को 5-7 बजे, गाड़ी आती 6-7 बजे, तो वो बेचारे स्वीपर चले जा रही ड्यूटी से, जब आती है वो कह रहे हम क्या करें। नगर निगम का कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है, वही जाते हैं। क्या कंप्लेन लिखी जाती है? वहीं पे ही जाते हैं, कोई उनके पास रजिस्टर नहीं है, वो कह रहे हैं यहाँ पे पानी चोता है, रजिस्टर नहीं है, बस वर्बली बोल के आते हैं, वो कहते हैं कौन सी लाइन है, 800 की लाइन है, हम आ जाएंगे, बस यही बात होती है। तो यहाँ के जो पार्षद जो अब तो निवर्तमान हो गए हैं, तो कार्यकाल चला गया, लेकिन वो क्या नाम है उनका? इनका चौधरी, हाँ जी हाँ जी, तो उसका नाम तक नहीं पता हमें, नाम तक भी नहीं है, कभी आए ही नहीं है जी, हमें जनता कॉलोनी के अंदर उसको नहीं देखा कभी। बीना जी, आप भी न्यू जनता कॉलोनी वासी हैं जी? जी। इस समस्या को कितने दिन से देख रहे हैं? 18 दिन हो गए भैया इस समस्या को, बहुत परेशान है हम, इसका कोई समाधान किया जाए। जब से बाढ़ का ये ना, तो ये ओवरफ्लो इससे पहले भी होता था या नहीं? 18 भैया पहले होता था, ये था साफ हो जाता था 5 दिन में 4 दिन में, अब तो 18 दिन हो गए कंटिन्यू से यही समस्या चल रही है लगातार। तुलसीदास भाटिया जी, क्या कहना चाहेंगे? 18 दिन हो गए, इतना बुरा हाल हुआ पड़ा यहाँ पे, बच्चे बीमार पड़े घरों में, कहाँ हॉस्पिटल लेके जाएं या यहाँ का देखें? यहाँ के जो विधायक हैं, मंत्री जी भी हैं और मूलचंद शर्मा जी, हाँ जी, तो कभी उनसे गुजारिश करने की कोशिश करी है? यहाँ वो कभी कभी आते हैं, और ये अपना भगत जी है, भगत जी के पास हम जाते थे, उन्होंने कई बार बोला है, बंदे भी भेजे, लेकिन अब वो खुद इस टाइम हालत सीरियस है उनकी, वो क्या करेंगे? और नगर निगम में गए, वहाँ दो एक दो बंदे बैठे होते हैं, किसी के पास कोई वो नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, बिना नेताओं की मदद के जो है नगर निगम वाले नहीं सुनते। नहीं जी नहीं, प्रशासन वाला कोई भी नहीं सुन रहा, और पूरी कॉलोनी इस टाइम सारी बीमार पड़ी है, कम से कम 75% लोग बीमार पड़े।